टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अरबी के पत्ते की सब्ज़ी हम किस तरह से बनाएं। बारिश के मौसम में तो अरबी के पत्तों का भजिया बनाने में, अरबी के पत्तों का स्नैक्स बनाने में और अरबी के पत्तों से सब्ज़ी बनाने का कुछ मज़ा ही अलग रहता है और स्वाद भी अलग होता है। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, बेसन में नमक डाला है, धनिया डाला है, हल्दी, लाल मिर्च डाला है और साथ ही थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला डाला है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ और खटाई के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इस समय एक नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है इसकी, अरबी के पत्ते की। तो एक कटोरी के करीब मैंने ये जो बेसन लिया है दोस्तों, उसमें सभी सूखे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा अब इसमें हम पानी डालेंगे और साथ ही मैंने एक चम्मच इसमें तेल भी डाल दिया है ताकि जो हमारा ये पेस्ट है ये बहुत ही बढ़िया बने। अब अरबी के पत्तों जिन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के थोड़ा सा पोंछ लिया था, एक थाली ली है और इस थाली में मैंने उल्टा रख दिया है इन पत्तों को और धीरे धीरे से ये जो हमने बेसन का पेस्ट तैयार किया है ये अरबी के पत्ते के उल्टी तरफ लगाना है। पूरी चारों तरफ फैलाएं, किसी भी हिस्से को खाली ना छोड़ें। जितना अच्छा आप पेस्ट लगाएंगे उतनी ही स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनेगी। मैं आपको इस सब्ज़ी को दो तरह से बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे ड्राई स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, सब्ज़ी के रूप में भी मैं इसे आपको सर्व करना बता रही हूँ। तो एक पत्ता लिया, उसके ऊपर मैंने दूसरा पत्ता रख दिया है। दूसरे पत्ते के भी उल्टी साइड हमें इस पेस्ट को लगाना है। यदि आपके पत्ते थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना, एक बेलन से इसे चपटा कर लें ताकि हमें परेशानी ना हो। सभी पत्तियों की डंडियां मैंने पहले से अलग कर ली थी और अब मैंने रख दिया है तीसरा पत्ता। सबसे नीचे मैंने सबसे बड़े साइज का पत्ता रखा है, क्योंकि पत्ते सभी एक साइज़ के कई बार नहीं मिलते हैं हमें। अब सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से को फोल्ड करेंगे। तो तीन पत्ते रखे हैं, तीनों पत्तों में मैंने बहुत अच्छी तरह से बेसन के पेस्ट को अच्छी ज़्यादा मात्रा में लगाया है। ऊपर के हिस्से को फोल्ड किया, साइड के हिस्से को फोल्ड किया और चारों तरफ वापस हम इस बेसन के पेस्ट को लगाएंगे। जिस हिस्से को हमने अभी फोल्ड किया उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बेसन का लेप लगाऊंगी ताकि सभी चीज़ें आपस में चिपक जाए और बस इस तरह से आप इसे रोल कर लें और ये जो किनारे का हिस्सा है इसे भी आप चिपका दें। तो ये हमारे अरबी के पत्ते का एक रोल तैयार हो गया। बस इसी तरह से अब मैं दूसरा पत्ता भी बिछा लूँगी। जितने पत्ते हैं दोस्तों आपको वैसे ही करना है। यदि आपके पत्ते छोटे छोटे साइज़ के हैं तो आप चार पत्ते भी एक के ऊपर एक रख सकते हैं, परंतु मेरे यहाँ पत्तों का साइज़ बड़ा बड़ा है इसलिए मैं केवल तीन पत्ते ही इसमें रख रही हूँ। तो एक पत्ते के ऊपर पेस्ट लगाया, उसके ऊपर उल्टा करके दूसरा पत्ता रखा, उस पे पेस्ट लगाया और अब मैंने तीसरा पत्ता रख दिया है और खूब अच्छी तरह से पेस्ट लगा रही हूँ। किसी भी हिस्से को पेस्ट लगाने से ना छोड़ें। जितना ज़्यादा ज़्यादा और अच्छी तरह से हम पेस्ट को फैला कर लगाएंगे इस बेसन वाले मटेरियल को, उतनी ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। ऊपर से फोल्ड किया, साइड से फोल्ड किया जैसे मैंने पहले दिखाया था। अब आप देखिए मैं इसे रोल कैसे कर रही हूँ। ऊपर से स्टार्टिंग से आप इसे रोल करना शुरू करें और एंड तक लेकर आएँ। इससे ये जो रोल है वो बिल्कुल भी खुलते नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से रोल होते हैं। तो ये मैंने दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है। तो ये दोनों रोल मेरे बिल्कुल बनकर बिल्कुल तैयार। अब हम इसे थोड़ी सी स्टीम देंगे। भाप देने से ये पत्ते बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और फिर भाप दिए हुए स्टीम्ड ये जो पत्ते हैं उसका आप चाहे नाश्ता तैयार करें, चाहे सब्ज़ी में बनाएं, आप चाहे भजिए के रूप में भी आप इसे फिर बना सकते हैं। तो बस मैंने कुकर में एक कटोरी पानी रखा, एक रिंग रख दी है और एक छन्नी रख दी। छन्नी में मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है दोस्तों ताकि पत्ते चिपकने ना पाए। बस एक ढक्कन लगा दिया है और इसे कम से कम हम 10 से 12 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पत्ते अच्छी तरह से भाप में पक जाएं। पूरे 10 मिनट के बाद की शूटिंग है। आपको खुद को क्लियर दिख रहा होगा कि सभी पत्ते जो हैं हमारे रोल हैं अरबी के वो बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हल्का सा ठंडा हो जाए तब मैं इसे कट करूंगी। आप अपने पसंद के अनुसार थोड़े छोटे शेप भी काट सकते हैं या थोड़े से चौड़े शेप में भी काट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से 1.5 इंच के करीब चौड़े चौड़े पीस कर लिए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है दोस्तों ये सब्ज़ी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ इस सब्ज़ी को शेयर किया है। आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो ये सब्ज़ी घर में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इस सब्ज़ी की थोड़ी तैयारी पहले भी कर सकते हैं। अब मैंने एक बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल में मैंने डाला अजवाइन,
अरबी के पत्ते या अरबी थोड़ी सी बादी होती है, उसके बादीपन को कम करने के लिए हमें अजवाइन ज़रूर मिक्स करना चाहिए। आप चाहें तो बेसन के पेस्ट में भी इस अजवाइन को डाल सकते हैं, परंतु मैं बेसन के पेस्ट में मैंने नहीं डाला था, इसलिए मैंने इसमें तेल में डाला है। अब सभी अरबी के पत्तों को इस कम तेल में हम इस तरह से जमाते जाएंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, परंतु कभी भी मैं गहरे तेल में नहीं तलती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, तो मैं इसे शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। सिर्फ एक चम्मच तेल डाला है, उसमें मैंने सभी अरबी के जो पीस है उन्हें सेट कर दिया और एक एक बार सिर्फ हमें पलटना, ताकि थोड़े से ये गोल्डन हो जाएं। अब आप देख रहे होंगे सभी अरबी के जो पीस हैं बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा मैंने बहुत कम तेल का यूज़ किया, बिल्कुल भी मैंने गहरे तेल में इन्हें तला नहीं है। तो इस तरह से आप भी इसे नाश्ते के रूप में अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये जो अरबी के पत्ते तल के आए हैं, जो अभी रखे हैं दोस्तों, आप इसे सिर्फ स्नैक्स में सर्व करें, ये बहुत ही शानदार लगते हैं और सबको बड़ा मज़ा आता है। परंतु यदि आप इसकी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो उसकी भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। कढ़ाई में मैंने उसी बचे हुए तेल में जिसमें मैंने अरबी तली थी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। प्याज को मैंने सिर्फ मोटा मोटा चलाया है, बहुत बारीक नहीं पीसना है दोस्तों, थोड़ा दानेदार मसाला होता है तो उसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस एक बार मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे चला दिया है इस मसाले को। आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम थोड़ी अब इसे मसाले से लटपटी कर रहे हैं और स्नैक्स के रूप में सर्व करना है, तो आप बस उसी स्टेज में सर्व करें। नमक डाल दिया है मैंने, आधी छोटी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही मैंने एक बड़े चम्मच इसमें गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले से भी बड़ा अच्छा स्वाद आता है। और धनिया पाउडर डाला है दो बड़े चम्मच, तो गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला सभी कुछ मैंने इसमें डाल दिया है और अब हमारा मसाला बहुत बढ़िया सिक गया। अगर लाल मिर्च कम लगे तो थोड़ी सी और मैंने इसमें ऐड कर दी, ये सब्ज़ी थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है दोस्तों। तो बस ये अरबी के पीस जो कि बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल सुनहरे कुरकुरे हो चुके हैं, इस मसाले में मैं डाल रही हूँ। तो आप दोनों ही तरह से इस अरबी को सर्व कर सकते हैं, नाश्ते के रूप में प्लेन सर्व करिए सिर्फ फ्राई की हुई, और अगर आपको सब्जी के रूप में इसे सर्व करना है दोस्तों तो बस मसाले में थोड़ी सी लटपटी कर दीजिए। तो ये हमारी गर्मा गर्म अरबी के पत्ते की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि अरबी के पत्तों की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आपने इस सब्जी को बनाया या नहीं। लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी